बुलंदशहर में अंग्रेजी देसी शराब ठेके पर लूट की वारदात। तमंचे के बल पर 1,07,000 लूट ले गए बदमाश। बदमाशों ने सेल्समैन को भी तमंचे के बट पर किया घायल। रुपए लूटने के बाद सेल्समैनों के 3 मोबाइल भी लूट ले गए बदमाश। घटना के बाद एसपी देहात, सीओ सहित पहासू थाना पुलिस मौके पर। क्या नाम है आपका? क्या घटना हुई है आपके साथ में? सर यहाँ पर लूट हुई है, कितने की लूट हुई है? 1,07,000 की। कितने लोग थे? 7-8। तो क्या क्या ले गए लूट के? सर जी 3 मोबाइल हैं और दुकान चाबी है 2 दुकानों की और 1,07,000 रुपये कैंटीन वाले के और मेरे। अच्छा, ये चोट कैसे आई है आपका? सर बट मारी है। तो कितने लोगों को चोट मारी है? 2 लोगों को। अच्छा, दूसरे की हालत कैसी है? दूसरी हालत ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा टाके आए हैं, जाए चोट उसको। अच्छा, थाने में तहरीर दी है? हाँ जी, तहरीर दी है। तो कितने बजे की घटना है ये? 9:55 की। कहाँ का ठेका है? अटेंडा, अटेंडा गाँव। सर, पहासू थाना क्षेत्र में एक अटेंडा शराब के ठेके से लूट हुई है, क्या है पूरा मामला और सर कितने की लूट हुई है? कल दिनांक 28 अप्रैल 2024 को रात करीब 10 बजे थाना पहासू क्षेत्र में एक अटेना रोड पर अंग्रेजी शराब एवं देसी शराब का ठेका है। यहाँ से सूचना मिली कि करीब 10 बजे के करीब कुछ अज्ञात लोगों ने आकर ठेके के जो सेल्समैन हैं इनके साथ मारपीट एवं कुछ पैसे छीनने की घटना संज्ञान में आई है, जिसको तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है तथा इसमें 3 टीमों का गठन कर इसका शीघ्र ही खुलासा किया जाएगा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।